श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या सिटी कितना बदल चुकी है और अयोध्या में कितना विकास हो चुका है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा और हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस समय हम रामपथ पर मौजूद हैं और रामपथ से चलते हुए आपको अयोध्या के सभी उन जगहों पर लेकर जा रहे हैं जहां पर कॉमन कोड के तहत अयोध्या शहर का खूबसूरत निर्माण हुआ है। हमारे सामने है राम मंदिर का मेन एंट्रेंस पॉइंट, जहां से होकर राम भक्त जा रहे हैं राम मंदिर में दर्शन के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आप देख सकते हैं इस रोड पर भक्तों की कितनी ज्यादा भीड़ है। ये सभी भक्तगण जा रहे हैं राम मंदिर में दर्शन के लिए। आपको जितने भी लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी बाहर से आने वाले लोग हैं। रोजाना 5 से 7 लाख लोग आ रहे हैं राम मंदिर में दर्शन के लिए। अगर आप भी अयोध्या आ रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए, तो आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी सुबह आकर के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों यही वो समय है जब आपको सबसे कम भीड़ मिलेगी राम मंदिर में। राम पथ पर चलते हुए हमारे लेफ्ट साइड में हनुमानगढ़ी की तरफ रास्ता जाता है। चलिए हनुमानगढ़ी में चलकर दर्शन करते हैं और आपको आगे की जानकारी देते हैं। हमारे सामने है हनुमानगढ़ी मंदिर। मंदिर के आसपास आप जितना भी एरिया देख रहे हैं, इन सभी बिल्डिंग्स का निर्माण राम मंदिर के बनने के बाद हुआ है और आप देख सकते हैं सभी का कलर एक ही जैसा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर में बहुत ही ज्यादा भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन आप जब भी यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए, आपको दर्शन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो अगर आप अयोध्या आते हैं तो हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद ही राम मंदिर में जाकर के दर्शन करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दो
दोस्तों अभी हम हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर ये जो रोड आप देख रहे हैं इसे कहते हैं भक्ति पथ। आइए भक्ति पथ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ का सुबह का नज़ारा। पिछली वीडियो में हमने आपको भक्ति पथ का रात का नज़ारा दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी हम भक्ति पथ में आगे बढ़ रहे हैं। भक्ति पथ से ही होते हुए लोग आते हैं राम मंदिर में दर्शन के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए और उसके बाद ये सभी लोग राम मंदिर में जाएंगे दर्शन के लिए। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते थे कि मंदिर बनने से क्या निर्माण होगा वो अयोध्या आकर देख सकते हैं कि मंदिर बनने के बाद अयोध्या में कितना खूबसूरत निर्माण हुआ है। दोस्तों अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और हम आ चुके हैं राम पथ पर। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ बढ़ रही है लोगों की। सबसे ज्यादा राम भक्त साउथ से आए हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी अयोध्या में निर्माण कार्य जारी है। आप रोड के दोनों साइड देख सकते हैं अभी कुछ जगह काम होना बाकी है जो कुछ ही महीनों में पूरा हो जाएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो कि अयोध्या आना चाहते हैं।